हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपना स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है रेनका शुगर लिमिटेड है। रेनका शुगर की बात करें तो बीते शुक्रवार को 17 पैसे गिराव के साथ 47.64 रुपये पे क्लोजिंग दिया है। तो देखा ये बहुत ही अच्छा पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लंबे समय से जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर देखिए कितना दिन तक सस्टेन किया है। अभी इसमें आपको एंट्री बनाने का पोजिशन ही, अगर आप एंट्री बनाते हैं, मान लीजिए आप एंट्री बनाते हैं तो आप स्टॉप लॉस 200 डेज मूविंग एवरेज होना चाहिए 46.6 का है, तो आप 46 का स्टॉप लॉस रखेंगे, इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। और बात करें तो कन्फर्मेशन के साथ जैसे 53 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज करता है तो फिर आप उसी कैंडल के ऊपर एंट्री बनाएं, उसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट 57 का रखेंगे। 57 का टारगेट ऐसे नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा चलें पीछे तो 57 देखा है, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। तो 57 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आप 65 का रखेंगे, थर्ड टारगेट 69 का रखेंगे तो बेटर टारगेट अचीव हो सकता है। तो देखा तो ये अच्छा खासा शेयर, इसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बन सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है ये। बट अगर लॉन्ग टर्म के लेकर चलते हैं, अगर इसके ऊपर एंट्री बनाए तभी आपका स्टॉप लॉस 46 का ही होना चाहिए। तो देखा तो बहुत अच्छे समय से ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर, जैसे ब्रेक करेगा बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा, तो इस पर नज़र बना के रखिए। अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं बहुत अच्छा शेयर, लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप 200 डेज का मूविंग एवरेज रखेंगे तो बेटर स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।